जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान मोहतरम, हाजिर हैं आपके सामने ये डिज़ाइन के साथ। सबसे पहले सबसे अव्वल दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तय्यब ताहिराल पर। अजीज़ तलबा तालबात, तो हमारा अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है ग्रेड बनाना। ग्रेड किस तरह से बनाना है, जैसा कि ऑलरेडी आपके इलम में है, हमने ये दुपट्टा जो है इसकी लेयर सेलेक्ट कर ली हुई है। तो दुपट्टा ए है, इसके हमने दो पार्ट बनाए, ठीक है जी। तो हम दुपट्टा ए के लिए जाएंगे फिल्टर, ये है हमारा प्लगइन स्टाइल ड्रॉपर। ये आपको नज़र आ रहा है, यहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट कीज़ हैं फोटोशॉप की वो इस्तेमाल में नहीं आएंगी। यहाँ से हम ग्रिड के लिए एक सिलेक्शन यहाँ से लेंगे। कोशिश करनी है आपने कि स्केयर शेप में आए, ऑलमोस्ट ये स्केयर शेप में ही है। अब इसमें आपको कोशिश करूंगा कि काम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे सेट करेंगे, और इसका जो ये येलो कलर का है इसकी सिलेक्शन को हम चेंज करके इसको रेड में कोशिश करते हैं। यहाँ से जाएं, येलो की सिलेक्शन शुरू करके इसको आप जो है वो रेड में कर लें। यहाँ से आप यहाँ पे आइए, तो इस तरह से इसको आपने यहाँ पे रख लेना है, क्योंकि दुपट्टे की जो बनावट है वो इस तरह से है, जैसे पर्सपेक्टिव व्यू होता है, बिल्कुल इस तरह से है इसकी बनावट, पर्सपेक्टिव व्यू की जैसी। तो हमने भी इसको इसी तरह से पर्सपेक्टिव व्यू में ही लेना है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ से आप इसको इधर ले आइए, करीब यहाँ पे, कुछ कुछ आपको समझ आ रही होगी हम जो इसमें कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इसको इस तरह से कोशिश करनी है आपने कि इसका जो ग्रिड बनाना है ना, कोशिश करनी है मैक्सिमम कि ये स्केयर शेप में रहे, लेकिन होगा तो नहीं स्केयर शेप में, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ये स्केयर शेप से हटके इसकी लुक ना बने, वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे इस ग्रिड के लिए। तो ये इस तरह से इसकी एक बनावट हमारे पास आ गई हुई है। तो यहाँ पे अब हमने इसके अंदर इसको हम ग्रिड को सेव करेंगे, इसको आप सेव करें, इसको आपने सेव करना है अपने फोल्डर के अंदर। ये आपका मॉडल मैपिंग इसके अंदर है, यहाँ पर आप इसको सेव करिए, दुपट्टा डैश लेफ्ट के नाम से इसको आप सेव कर लें। बस आप देखते जाएं, ये इंशाल्लाह बहुत
ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह। कोई भी काम है वो मेहनत तलब होता है, मेहनत के बगैर, फोकस के बगैर कोई भी काम आपका जो है वो आगे नहीं बढ़ता, उसमें खूबसूरती नहीं आती। तो इसको आप सेव करें यहीं पर दुपट्टा लेफ्ट के अंदर। अब हमने इसके अंदर लाइंस ऐड करनी हैं। लाइन आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आइए आप, ये एक लाइन ऐड इसमें की हमने और एक लाइन हमने यहाँ से इसमें ऐड कर दी, ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। इसको आप यहाँ पे ले जाइए, इस जगह पे इसको यहाँ पर लाएं और ये जो है इसको आप यहाँ पर लाएंगे ऐसे। यहाँ पे ग्रिड और ऐड होंगे अभी, अभी इसमें ग्रिड ऐड होने हैं, आप देखते जाएं। इसकी अलाइनमेंट को ज़रा थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे करेंगे, इसको आगे लाएं तकरीब यहाँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाइए। ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। लेकिन ये जो ग्रिड का काम बनाने का है, ये बहुत कम लोग जो है इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। लोगों में ये होता है कि बस जो हमें पता है वो किसी को पता ना चले, वो भूल जाते हैं कि इलम बांटने से बढ़ता है। ये दौलत ऐसी है इलम की, इसको आप जितना फैलाएंगे ये उतना ही इसमें इजाफा होता है, और वो इजाफा क्वांटिटी से ताल्लुक नहीं रखता, बरकत से रखता है। उतनी ही ज़्यादा आपके काम में बरकत आएगी, ये अल्लाह पाक के वादे हैं और अल्लाह पाक के वादे कभी गलत नहीं होते। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इसके ग्रिड को मेंटेन कर रहा हूँ। मे बी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो कोशिश है मेरी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं काम इसमें करके दिखाऊं। अगर लेंथी हो भी जाती है तो इसमें मैं फिर एडिटिंग के दौरान इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे। आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसकी बनावट है बॉर्डर की, ये दुपट्टे का जो बॉर्डर है इसकी ये बनावट है। तो इसकी बनावट को आपने फॉलो करना है। इसको आप सेव करें।